सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 मई 2021 आपके राशि फल के बारे में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी लव, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज 26 मई 2021 दिन बुधवार का रहेगा और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बन रही है। शाम के 4:43 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह सुबह के 4:11 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 1:15 तक चलेगा और इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो शिव नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 3:02 से लेकर ठीक रात्रि के 10:51 तक चलेगा और इसके उपरांत सिद्ध नामक योग प्रारंभ हो जाएगी। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का टाइमिंग्स। सूर्य उदय का जो टाइमिंग्स है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:45 पर और सूर्यास्त का टाइमिंग ठीक शाम के 7:01 पर, और चंद्र उदय का जो टाइमिंग्स है वो रहेगा ठीक शाम के 7:09 पर और चंद्रास्त होगा ठीक सुबह के 6:15 पर। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि और चंद्र राशि चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज का शुभ समय, आज के डेट में कोई भी शुभ समय नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं आज का अशुभ समय, यानी राहु काल की बात करें तो यह दोपहर 12:24 से लेकर ठीक दोपहर 2:03 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण और शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, और ना आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नर में नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ ये मेरा भाग्य है, पर मैं आपके साथ हूँ ये मेरा सौभाग्य है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर तो वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। चलिए जानते हैं अब आपके डेली राशिफल। जी हाँ, हम आपकी डेली राशिफल की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें, आज आपका लकी नंबर यानी कि भाग्यशाली अंक जो है वह आज आपके लिए 5 रहेगा, और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सितारे कहते हैं, आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में है। वे निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही है उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको
लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से अस्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। हम आपको बताना चाहेंगे यह समय आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। जी हाँ, जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज़्यादा मददगार साबित होगा। आज हो सकता है कि पहली नज़र में ही कोई आपको पसंद कर ले। हम आपको बताना चाहेंगे आपके लिए आज बहुत सक्रिय और लोगों से मेलजोल भरा दिन रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे और जो भी आप कहेंगे उसे बिना सोचे मान लेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा सुनना चाहते थे। हम आपको बताना चाहेंगे आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी काफ़ी आपकी तरफ से फिर आकर्षित महसूस करेगा। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।